चलें सर आगे आते हैं। कल की क्लास तक हमने पहले पढ़ लिया था कि भाई कंपनी के फीचर दफा कंपनी क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा था अच्छे से, है ना सर। फिर हमने क्या पढ़ा था सर, फिर हमने पढ़ा था कंपनी की टाइप्स क्या होती हैं, स्टेटस के हिसाब से प्राइवेट और पब्लिक, और पेपर के अंदर सवाल पूछा जा सकता है कि आप बताओ कि भैया कंपनी जो है स्टेट कब प्राइवेट से पब्लिक या उसको शेयर इशू जनरल पब्लिक के पास जाना है तो उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर। फिर हम और आगे बढ़े थे, हमने पढ़ा था कि भाई डेफिनेशन के हिसाब से डेफिनेशन एंड टाइप्स के लिमिटेड बाय शेयर्स लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी लिमिटेड में शरारती पॉइंट था वो क्या था, कूदने वाला, है ना सर, कि अगर एक साल तक भी अगर आप कश्ती से छलांग लगा दी तो भी आपको गारंटी का अमाउंट पे करना पड़ेगा। फिर हमने पढ़ा था सर होल्डिंग और सब्सिडरी, होल्डिंग कंपनी जिसके पास अगले के 50% से ज्यादा हो या बीओडी में कंट्रोल हो जाए, मेजोरिटी हो जाए, हमने एग्जांपल दी थी 40% के साथ भी आप कंट्रोल ले सकते हैं। और फिर हमने सर कहा था कि भाई एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट जो ये होती है ना, अब इस पे मैं आऊंगा, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी तवज्जो इधर। ये जो एक कंपनी की कार्य, सबसे पहले सुनना, कंपनी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है मुझे बताओ, लिमिटेड लाइबिलिटी, है ना। लेकिन सर देखें जिंदगी में ना बेनिफिट लेना सबको पसंद है, बेनिफिट लेना, लेकिन उन्होंने बेनिफिट लिया है ना किसी चीज का ये बताना पसंद नहीं है, है ना। आपने जिंदगी में देखा होगा लोग बहुत बेनिफिट लेते हैं, आपका भी किसी ने बेनिफिट लिया होगा, है ना सर, आपकी शराफत का, ईमानदारी का, किसी दोस्त ने कभी चूना लगा दिया कुछ क्या, है ना। लेकिन वो इस बात को कभी मानेगा नहीं कि आपने आपको कभी चूना लगाया, बोलेगा मजबूरी थी मेरी, सही है। तो अब यहां पर भी कुछ कंपनीज जो हैं सर वो चाहती तो हैं कि उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो, लेकिन वो ये कहती है हमारे वर्ल्ड के साथ, देखो हर कंपनी के वर्ल्ड के साथ ना लिमिटेड लिखा हुआ होता है, कोई भी कंपनी उठा लो, यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड, सही, ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन लिमिटेड, बशीर भाई प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन एक तरह की कंपनियां जिन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि लिमिटेड हमारे जो है नाम के साथ ना हो, तो अब उसके लिए स्टैंडर्ड ने कहा कि फिर तुम्हारे को ना एक ही काम करना पड़ेगा, अगर तुम धंधा करते हो, धंधा करते हो, सुनना मेरे अल्फाज बोल करते हो, तो तुम्हें लिमिटेड लगाना जरूरी है। लेकिन अगर तुम धंधा नहीं करते हो, तुम जो है एक ऐसी एसोसिएशन बना रहे हो जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट है, जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना, उसके नाम के साथ तुम चाहो तो लिमिटेड, ताकि लोग ये ना कहें अभी तो कंपनी को लो दिमाग क्या रहे, तो कंपनी खोल के बैठा अगर लिमिटेड लगा हुआ होगा। अब आईकेप का एक सवाल आता है, सुन दो, सवाल देता है कि चार दोस्त मिले, उन्होंने कहा कि हम एक जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं जिसमें हम इंजीनियर्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, बट वो ये नहीं चाहते कि उनके नाम के साथ लिमिटेड हो, लगा हुआ हो, तो प्लीज एडवाइस दें। तो उनकी एडवाइस क्या होगी कि भाई तुम क्या बनाओ, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, एसोसिएशन नॉट फॉर, आईकेप क्या है, एनपीओ है एक आईकेप, ऐसा आप सुनिएगा, मैं अभी थोड़ा सा आपको कोर्स से हट करके भी बताता हूं, कोर्स से हट करके भी, पाकिस्तान के अंदर सर एनपीओ दो हिस्सों में रजिस्टर्ड हो सकती है, या तो एनपीओ रजिस्टर्ड होगी कंपनीज एक्ट के तहत, इसको कहते हैं सेक्शन 42, इसका कौन सा मशहूर है, या तो होती है ट्रस्ट एक्ट के थ्रू, किसके थ्रू, अच्छा आप सुनना, रजिस्ट्रेशन कराना कंपनीज एक्ट के थ्रू आसान है, ट्रस्ट एक्ट के थ्रू, हमारे इदारों को तो आपको बताइए, अभी पिछले दिनों हुआ ये कि हमें एक, हमारी जो एक फर्म है, हम लोग माशाल्लाह दो फर्मों से काम करते हैं, कि जाहिद जमील जो कि क्यूसीआर रिलेटेड है, सात शहरों में ऑफिस है, दूसरा जो है फैसल सिद्दीकी, उसका नाम है फैसल अब उसका नाम था फैसल सिद्दीकी, मेरे पार्टनर के नाम भी था, उसका नाम करें फैसल हसन, अब हमें नई पार्टनरशिप डीट करानी आई कि अपने कह दे पहले पार्टनरशिप रजिस्टर करा के, हमने कहा ठीक है। आप यकीन माने मैंने बंदे को भेजा, उसने चार चक्कर लगाए, कभी बोले ये डॉक्यूमेंट लाओ, कभी बोले वो डॉक्यूमेंट लाओ, अच्छा साहब अभी है नहीं आ रहे हैं, साहब बैठे हुए अंदर थे, तीसरे चक्कर में उस बंदे की हट गई, उसने कहा यार देख साफ साफ बता क्या चाहता है, उस बंदे ने कहा यार 10,000 रुपये दे और अभी के अभी सर्टिफिकेट ले जा पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन की। उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा यार देख गलत है, उसने कहा सर गलत तो है, मैं फिर कोशिश, उसने एक दफ़ा फिर कोशिश की, नहीं, तीसरे चक्कर चौथे चक्कर में गया, अगले ने साफ बोला कि भाई 10,000 रुपये देगा तो तुझे पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा।
फिर उस बंदे ने बार्गेन की और 6000 रुपये मामला सेटल किया। आप यकीन माने जो तीन चक्कर में ये ला वो ला उसने 6000 रुपये लेकर गया ना, उसको बोला कुछ भी नहीं चाहिए, पकड़ ले जा डॉक्यूमेंट, क्या नाम है, टक 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 उसी वक्त सर्टिफिकेट निकाल कर दे दिया। तो ये हमारे मुल्कों का हाल है। तो याद रहे एनपीओ रजिस्टर करानी है ट्रस्ट एक्ट और कंपनीज एक्ट, इजी किसके केस में है, कंपनीज एक्ट। आ जाए अब सर आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे आज की क्लास में इसको आगे, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। अब आ जाए कंडीशंस फॉर रजिस्ट्रेशन क्या होंगी इसकी, अब आपने सुनना है बहुत गौर से। फॉर्म्ड फॉर यूजफुल सोशल प्रोजेक्ट्स, आप कोई रिलीजियस, पीसीबी आपको पता है इसके अंदर रजिस्टर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके अंदर रजिस्टर है, आप रिलीजियस कोई हो पर्पस के लिए बने हो, सही है, जेडीसी सेलानी, सही है, आप स्पोर्ट्स की प्रोमोशन के लिए हो, आप एजुकेशन के लिए हो, सही, कोई आपका सोशल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यूजफुल, उम्मत की भलाई, अवाम की भलाई। फिर कहते हैं ऑब्जेक्ट एक्टिविटीज नॉट अगेंस्ट लॉ। अब सुनना, आपने कहा मैं आवाम की भलाई करता हूं कैसे, आपने कहा बैंक्स रेट बहुत कम देते हैं, एक्सचेंज रेट में हवाले का काम करता हूं, उसके लिए मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बना देता हूं। तो उसने कहा भाई पाकिस्तान में ना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ है, ये उसके अगेंस्ट तुम्हारा काम जा रहा है, समझ रहे हो। तीसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोहिबिट्स, भाई खिदमत खल के लिए बनाई है ना, डिविडेंड किसको मिलता है, मेंबर्स को मिलता है, बोला यार अगर तूने डिविडेंड देना शुरू कर दिया, अवाम को अगर डिविडेंड जा रहा है इससे, तो मतलब लोगों मेंबर्स को, तो बोला मेंबर्स को डिविडेंड, फिर तुम कमा रहे हो इससे, बोला ये कंडीशन सारी एंड वाली है, एंड वाली, सही है। फिर क्या कह रहा है, अप्लाइज प्रॉफिट इन जिस मकसद के लिए बनी है उसी के लिए करे, कोई और काम, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स एज पर स्पेसिफाइड, सर उसका जो मेमोरेंडम हो उसका जो आर्टिकल्स हो वो किस पे किस किस के हिसाब से हो, स्पेसिफाइड फॉर्मेट हो उसका, मतलब देखो बाकी में पता है क्या, मेमोरेंडम आर्टिकल को स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं है, बोला ये क्लॉजेज होने चाहिए, इनको बता दिया कि तुम्हारा यही मेमोरेंडम आर्टिकल है, और इसके अलावा भी कोई और एडिशनल कंडीशंस कौन लगा सकती है, कमीशन क्या लगा सकती है कि भाई कम से कम तुम 5 साल के लिए बने रहोगे। अब मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, पाकिस्तान में 90% नाम नहीं लूंगा, 90% एनजीओज बड़ी बड़ी में अगर आपने देखा होगा सर, वो बनती पता है किस लिए, मनी लॉन्ड्रिंग, किसके लिए, एक बड़ी मशहूर एनजीओ है। अच्छा हमें कैसे पता चला, मेरे एक दोस्त का मोबाइल का काम है, वो बाहर से मोबाइल इंपोर्ट करवाता है, अब उसको पैसे देने थे, उसके एक बंदे ने कहा कि यार तू क्यों मतलब बैंक के थ्रू ये सब कर रहा है, बोला मोबाइल तेरे पास आ गया, हाँ बोला आ गया, वो नहीं होता कि खेपिए की सूरत में आ जाता है, कोई जेब में डाल करके दो दो चार चार मोबाइल निकाल लिए, मतलब पैसे देने ना तुझे ये एनजीओ के अकाउंट में पैसे, उसने कहा क्या हो गया, बोला इस एनजीओ के अकाउंट में पे कर दे, ये एनजीओ जो है, अच्छा एनजीओ का फायदा क्या है, देखो अगर मैं आम जो है ना, मैंने क्या नाम है तेरा हीरो मुजम्मिल के अकाउंट में मैंने पैसे डाले ना, कल कला को अगर मुजम्मिल का, मुजम्मिल एक कंपनी मुजम्मिल लिमिटेड ऑडिट खुला ना, लोग पूछेंगे अबे इसके अकाउंट में भाई कहाँ से 4 लाख तेरे अकाउंट में आ गए, एनजीओ से पूछोगे कहाँ से, बोला पता नहीं किसी अल्लाह के नेक बंदे ने डोनेशन दी होगी, अब उनको नहीं पता कि ये हवाले का, एनजीओ के अकाउंट में मैंने यहाँ से पैसे दिए, और एनजीओ ने अपने बाहर मुल्क के अकाउंट में, बड़ी एनजीओ है नाम नहीं लूंगा उसका, उसने बाहर के अपने उससे कोई पेमेंट कर दी उस बंदे को जिसको डॉलर के पैसे, उसको बोल दिया कि यार मतलब या उसमें कि यार हमने कोई सर्विसेज ली थी इस बंदे से। तो एनजीओ किस लिए यूज होती है पाकिस्तान में, हमारे पास किसी एनजीओ का ऑडिट आता है ना, हम सबसे पहले मैं पूछता हूँ उस बंदे से काम क्या करती है, बोलते हैं सर मनी लॉन्ड्रिंग, बोला हम नहीं करेंगे, क्योंकि सर एनजीओ में आप देखें ना अचानक से मेरे अकाउंट में आ गए 20 लाख रुपए, मुझे नहीं पता किस पर्पस के लिए, और मैंने बाहर अमेरिका में किसी बंदे को पैसे पे किए, सही है मैं कह दूं उससे मैंने सर्विसेज ली है, क्या कर लोगे, तो आए सर। तो इसकी कंडीशंस ये हैं कि भाई किन कंडीशंस की गुनाह पे बनेगी, प्रिविलेज लिमिटेड लाइबिलिटी, इसकी लाइबिलिटी सर लिमिटेड होगी, विदाउट वर्ड्स लिमिटेड, और इसके अंदर ना वर्ड लिमिटेड लिखेंगे और ना लिखेंगे गारंटी लिमिटेड, लिमिटेड भी वर्ड नहीं होगा इसमें और गारंटी लिमिटेड भी नहीं होगा, यहां तक हम क्लियर है सर।
एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पूरे चैप्टर की अगर मैं बात करूं कि भाई कोई एक चीज अगर बच्चा पूछे ना सर बता दें इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा भाई इसको छोड़ के नहीं जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनजीओ या एनपीओ, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, किन कंडीशंस पे होगी, क्या प्रिविलेजेस होंगे। तीसरी चीज पे आते हैं सर, क्या किसी उसमें कंडीशंस फॉर रिवोकेशन, क्यों रिवोक हो सकता है इसका लाइसेंस, क्या इसका लाइसेंस, भाई हुकूमत ने इजाजत दे दी बनाने की, बाद में रिवोक करने जाए तो रिवोक कर सकते हैं, कर सकते हैं। कंडीशंस नॉट कंप्लाइड, आपने कहा था पीसीबी ने कहा ना इसी के तहत बनाए, पीसीबी ने कहा था हम क्रिकेट के फरोग के लिए सब करेंगे, पता चला पीसीबी हॉकी में लग गया, पीसीबी जो है चेस के उसमें लग गया, तो एसएससीबी कह सकता है भाई ये किस लाइन में आ गए, सही है क्या, मतलब तुम तो बने थे क्रिकेट के लिए। फिर आते हैं अगेंस्ट लॉ ऑफ, आपने यहां पे बोला अफगानिस्तान वाले मॉडल, आप बोला अफगानिस्तान का मॉडल क्या है, अफगानिस्तानी अफगानी कहते हैं यार कुछ भी हो भाई स्मगलिंग भी जायज है और चरस वरस भी जो है ना सब नहीं, बट वो कहते हैं कि भाई हम नहीं पीते, कोई पीता है तो हमारे मुल्क में करो काश्तकारी करो। और मैं आपको बता दूं अगर आज पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तानी हुकूमत ये कर ले ना, आप यकीन माने डेढ़ दो साल में कि चरस की पैदावार भी करे अपने मुल्क में और उसको आगे बेचे भी सारे जो है ना, और कुछ ऐसे तो आप डेढ़ दो साल में पूरा कर्जा उतर जाएगा, सही है। तो ये अब आपने कोई भाई आपने बताया एनजीओ थी, एनजीओ ने कहा चलो भाई हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं, बशीर भाई एनजीओ, बशीर भाई लग गए इस काम में, बशीर भाई ने कहा था मैं रिलीजियस काम के लिए आऊंगा, अब बशीर भाई कह रहे हैं मैं चरस की पैदावार करता हूं और उसके बाद उसका जो पैसा आता है वो गरीबों में बांटता हूं। अब आते अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, कोई ऐसा काम करो कि पब्लिक क्या, अब मुझे इसकी एग्जांपल दो सर, आपने कहा एनजीओ थे और हम जो है सबको फ्री रोटी दे रहे थे, अब हमने जो फ्री रोटी का प्लान लगाया ना, हमने ऐसी जगह लगाया जो कमर्शियल एरिया के पास था, वो अपना रेजिडेंशियल एरिया के पास था, वहां पर जो है ना धुआं निकल रहा है लोगों को, एक तरफ तो आप फायदा करो नुकसान। अब मुझे इससे एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई, पिछली दफा यही टॉपिक पढ़ा रहा था, रमजान चल रहे थे, अब एक लड़का था हमारे घर में, बच्चा था बहुत खास बच्चा है मेरा, सही है। अब मैंने कहा अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट की कोई एग्जाम्पल दो, सर एनजीओ रमजान में नाइट टूर्नामेंट करा दे लोगों की नींद खराब हो, वो बिल्कुल मम्मी डैडी बच्चा था, सही है, अब उन उसका नाम है ए से शुरू होता है, अब जो है अभी वो ऑडिट का पेपर पढ़ रहा है माशाल्लाह, सही है। अब वो बच्चा जो है शराफत का एकदम, वो बाकी में कभी ऐसी सी बातें कर दे, उसने कहा सर ये तो फिर गलत है ना, सर ये तो गलत है ना कि आपका जो है ये वाला कार्रवाई हो जाए कि आपका जो है ना, मैंने कहा भाई ये तेरे लिए मसला होगा, बहुत सारे लौंडे जो है ना नौजवानी में जिनके माँ बाप उनको क्रिकेट खेलने जाने नहीं देते, वो खिड़कियों में खड़े होके देख रहे होते हैं मैच, सही है। तो पब्लिक इंटरेस्ट, आपने पब्लिक को कोई नुकसान पहुंच रहा है, सही है, पब्लिक को कोई, इन्होंने एग्जांपल जिसे कोई एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, सही है। आपने कहा हमने एक एनजीओ बनाई, उसकी वजह से अब हम रोज जो है ना सेमिनार करा रहे हैं मेन रोड पे, रोड ब्लॉक हो रहा है, पब्लिक को नुकसान पहुंच रहा है, तो इस वजह से भी रिवोक हो जाएगा। Did not file financial statement or annual return for 2 साल तक, हुकूमत कहती है अगर आप एनजीओ हो तो भाई हम नहीं, रिपोर्ट तो हमें दो, एसएससीपी कहते हैं तुम दे ही नहीं रहे, तो भी रिवोक। एनजीओ की है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म फॉर, उसमें वर्सेस एनपीओ कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट, सही है। नंबर ऑफ मेंबर्स लेस देन 3, इसके कम से कम मेंबर्स कितने होने चाहिए, 3, कितने होने चाहिए, 3 से कम होंगे तो भी गए। फिर कह रहा है मैनेजमेंट इन्वॉल्वड इन फ्रॉड मनी लॉन्ड्रिंग, नो प्रॉपर बुक्स अगेंस्ट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स और नो बिजनेस फॉर, यहां पर बिजनेस एक्टिविटी, पीसीबी एक साल के लिए ठंड पै गया, कोई मैच ही नहीं हो रहा है, कुछ ही नहीं हो रहा, चलो भाई आईसीसीबी कहेगा कि दुकान बंद करो, खत्म पीसीबी खत्म, सही है सर। जस्ट एंड ऐसे मैंने बाकी ये तो सारी कंडीशंस तो मैंने बता दी, इसके अलावा भी जो हमें लगा ना कि भाई तुझे बंद हो जाना चाहिए, तुझे हम क्या कर देंगे, बंद हो जाएगा। एग्जांपल देता हूं भाई, हमारा मुल्क कौन सा है, मुस्लिम डोमिनेटिंग मुल्क, अच्छा हमारे मुल्क में कोई भी कुछ एनजीओ बना सकता है, अब एक एनजीओ बन गई, बट उस एनजीओ में आपको पता चला
क्या वो एक एनजीओ बनी थी, वो नॉन मुस्लिम थी, उन्होंने कहा था सही है भाई हम करेंगे और अपनी कम्युनिटी की हेल्प करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है भाई, आपका बिल्कुल हक है इस्लाम में अकलियत के राइट्स है। बट गवर्नमेंट को लगा कि यार ये जो एनजीओ है ये पैसे दे करके, और ऐसा हुआ है अभी रिसेंटली क्वेटा के अंदर एक जगह, ये पैसे दे करके जो मुसलमान होते हैं ना गरीब, उनको बोलते हैं तुम कन्वर्ट हो जाओ हमारे रिलीजन का नाम नहीं ले रहा और हमसे इतने पैसे ले लो। गवर्नमेंट को अगर ये बात पता चलेगी तो गवर्नमेंट बताओ जस्ट इनइक्विटेबल की एग्जांपल देना, गवर्नमेंट क्या कहेगी भाई तुम जो है बंद करो, तुम जो है ना ये किन किन चक्रों में पड़ गए हो। सही है सर, पब्लिक नहीं हम बोलेंगे, शायद पब्लिक इंटरेस्ट को ये मॉनेटरी टर्म्स में देख रहा हूँ या उसमें, हम कहेंगे भाई जस्ट इन कोई रिलीजन उसमें फॉल कर सकता है कि आप अपने मेमोरेंडम आर्टिकल से हट गए ऑब्जेक्ट से, लेकिन हुकूमत को लगेगा ना कि यार तुझे बंद हो जाना चाहिए। एक कोई इंडियन बंदा था वो फंडिंग कर रहा था एक एनजीओ की, यहाँ पर अब हुकूमत को शक हो रहा है कि यार ये भारती क्यों जो है ना पाकिस्तान में फंडिंग कर रहा है, चले गए चल भाई तू बंद हो जा, लेकिन बंद कैसा नहीं कि रातों रात आया और ताला स्टैंप, नहीं नोटिस देना है और हेयरिंग क्या करनी है, कमीशन एक चांस देगा कि भाई मुझे बताओ कि तुम्हें बंद क्यों ना करें। सर याद रखें इसके अंदर भी ये इंपॉर्टेंट है कि किन किन केसेस में रिवोक हो सकता है लाइसेंस, किस किस केसेस में रिवोक हो सकता है, अब आ जाओ जब पता ही नहीं चलता एसीसीबी को, मैंने कहा ना यही तो सबसे आसान तरीका है, एनजीओ के बाद देखो एक आम कंपनी होगी ना उसके पास पैसे आएंगे ना तो उसको बताना पड़ेगा कहां से है, एनजीओ के पास पैसे है बोलेगी डोनेशन है हमें नहीं पता यार भाई, सिंपल सी बात एग्जांपल देता हूँ, बैतुस्सलाम का मोबाइल नंबर मेरे उसमें, सही है बैतुस्सलाम बहुत अच्छा काम माशाल्लाह करते हैं, अब मेरा एक दोस्त है अमरीका में, उसने मुझे बोला यार मुझे ज़कात देनी है, उसके पास माशाल्लाह अच्छा अमाउंट था, उसने मुझे कहा कि 800,000 रुपये की उसको ज़कात देनी थी, उसने कहा यार मुझे ना बैतुस्सलाम में ही देनी, मुझे उसका अकाउंट नंबर ला दे, मैंने उसको बैतुस्सलाम का क्या ला दिया, अब अकाउंट नंबर की बेस पे उसने अमरीका से पैसे डाल दिए किस में, बैतुस्सलाम में डायरेक्ट। अब बैतुस्सलाम को नहीं पता कि पैसे 800,000 रुपये किसने डाले, हाँ उनके डोनेशन अकाउंट में है, तो कल कला को एसीसीबी ने पकड़ भी लिया बैतुस्सलाम को, तो बैतुस्सलाम बोलेगी भाई हमें तो ऐसी हजारों डोनेशन आ रही है, अब भाई डोनेशन है ना तो कोई बंदा कहीं से भी डाल ले, जिसने डाली है तो मुझसे पूछ लो मेरे पास क्यों आ रहे हो, समझ रहे हो, तो ये चीजें होती हैं, तो पकड़ने पे आए तो फिर उससे पकड़ना पड़ेगा जिसने डोनेशन की है, वरना सर किसी का बाप नहीं पकड़ सकता, बहुत मुश्किल होता है इनको पकड़ना, तभी तो मैंने कहा ना सबसे आसान है पैसे घुमाने हो एनजीओ खोलो, पैसे कमाने हो एनजीओ खोलो, है ना सर। मैं आपको सच बता दूं इस वक्त इस शहर में कितनी ऐसी एनजीओज हैं जिनके पास इतना पैसा आ रहा है, कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं कुछ बुरा काम भी कर रहे हैं, है ना सर, लेकिन पैसा दबा के आता है, सही दबा मतलब मैं आपको बता दूं ये आपकी सोच है, सबको छोड़ो यार तुम ये मजारों पे चले जाओ, मजारों की कभी वो पेटी खोल के देखना, जो मजार का वो होता है ना क्या बोलते हैं उसको सज्जादा नशी, वो दुनिया का सबसे महंगा नशा करता है, पैसा कहाँ से लेकर आ रहा है वो, सब ऐसे नहीं होंगे, लेकिन सर अगर आप जाए ना क्या हो रहा है सर, कोई हिसाब किताब ही नहीं है ना भाई, डालते जाओ क्या उसको आप क्या पकड़ लोगे, उसको हुकूमत क्या करेगी, तो सर तो एनजीओ ये वो बेचारा मदार वाला छोटे लेवल पे करता है, एनजीओ बड़े लेवल पे करती है, लेकिन सब ऐसी नहीं है, सब ऐसी नहीं है। मैं आपको बता दूं सर कुछ एनजीओ, मैं जैसे बैतुस्सलाम की बात करूं, मैं बैतुस्सलाम में गया हुआ हूं, उनको असल में अब एक काम करवाना था, हमारी फर्म को बुलाया एक सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करवाना था, मुझे सबसे अच्छी बात उनकी एक और लगी, माइक्रोसॉफ्ट का था डायनेमिक्स एक सॉफ्टवेयर होता है, उन्होंने भाई हमारी फर्म को बुलाया, हमने उनको मंजन बेचे, उन्होंने कहा देखें साहब ने पहले कभी ये काम किया हुआ, हमने कहा ये सॉफ्टवेयर नहीं लेकिन और भी बहुत सारे लगाए, तो हमने कहा लेकिन हम आपको प्रपोजल भेज देंगे, उसने कहा देखें सर आपका टाइम वेस्ट होगा हम आपको काम तो नहीं देंगे, क्योंकि हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसने पहले ये काम किया हुआ। तो सर बैतुस्सलाम के अंदर आपको होता है, मैंने किसी एनजीओ में नहीं देखा, एक आई थिंक बैतुस्सलाम में होगा, शायद दूसरा अगर किसी में होगा तो ये दारुल उलूम और दावत इस्लामी में होगा, इस लेवल का काम किसी और के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट उनकी फाइनेंस की टीम में, बैतुस्सलाम तो मैंने देखा हुआ है, सीए क्वालिफाइड 3 CAs बोर्ड बैठे हैं बैतुस्सलाम के अंदर, आप सोचें मैं खुद मिल के आया हूँ सर, उनका कभी कुर्बानी अगर आपने हिस्से वाली की हो ना तो आपको ना एक एक रुपये का हिसाब देते हैं, हालांकि वो मेरे ख्याल में कम और बेश उनके पास कोई 16-17 लाख हिस्से आते हैं जानवरों के, उसमें से एक एक बंदे को बताना कि तुम्हारे जानवर बेचने बहुत बहुत मुश्किल काम है,
आए सर अब आते हैं, अगर अगर लाइसेंस रिवोक हुआ तब क्या करना है? स्टॉप ऑपरेशंस, सही। हमने कहा फॉर एग्जांपल जेडीसी का लाइसेंस रिवोक हुआ, अब जेडीसी के जफर भाई नहीं कर सकते कोई भी काम, सही है सर? जफर भाई अब आपको रुकना, स्टॉप डोनेशन, जब आपका लाइसेंस रिवोक हो गया इसके बाद एक रुपया डोनेशन का नहीं ले सकते, कार्रवाई हो जाएगी। अब आ जाओ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर नेट एसेट्स टू अनदर कंपनी विद इन 90 डेज। क्या मतलब सर? सुनना, आपको जेडीसी का लाइसेंस रिवोक होता है तो उसको सैलानी को, बैतुल सलाम को, किसी को 90 दिन के अंदर अपने सारे एसेट्स क्या करने होंगे? सर लाइसेंस रिवोक हो रहा है तो हम वो नहीं कर सकते कि मेंबर अपने घर पे ले जाए? नहीं भाई, तू तो बनाई किस लिए था? एनजीओ, किसी और एनजीओ को क्या करना है? ट्रांसफर करना है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, अगर एक एनजीओ बंद हो रही है तो उसके एसेट्स किसको जाएंगे? अनदर कंपनी का मतलब लिख दो, अनदर एसोसिएशन, नॉट फॉर एन पीस को भी कहते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट, सही है सर? कितने दिनों के अंदर? 90 डेज। ऑफ रिवोकेशन भी लिख दो, 90 दिन ऑफ नवे दिन में आपको करना है, और इसके बाद रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करना है कितने दिनों में? 15 दिनों के अंदर कि हमने ट्रांसफर भी कर दिए हैं। फिर कहता है देखो सबसे पहले तुम्हारा लाइसेंस रिवोक होगा, सब करो 90 दिन के अंदर एसेट्स ट्रांसफर कर दो, 15 दिनों में क्या कर दो कि हमने कर दिए, स्टार्ट वाइंडिंग अप विद इन 30 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रिपोर्ट बाय रजिस्ट्रार। जब तुम 15 दिनों में उसको रिपोर्ट कर दोगे ना तो उसके बाद 30 दिनों के अंदर तुम्हारी नामो निशान मिट जाए, तुम वाइंड अप हो जाओ। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, members officers not to hold office in transferee company for 5 years. क्या मतलब इसका? सर एग्जाम्पल से समझना, देखो हमने कहा जेडीसी है, कौन है सर हमारे पास यहाँ पे? जेडीसी। सपोज करते हैं जेडीसी का लाइसेंस रिवोक हुआ, किसके पास गया? सैलानी। किसके पास गया? सैलानी। अब हमने कहा सर अगर इसका लाइसेंस रिवोक हो के जा रहा है सैलानी भैया के पास, अब जेडीसी के जो जफर भाई है ना वो अगले 5 साल तक सैलानी के बोर्ड में नहीं आ सकते, ऑफिसर उसके नहीं बन सकते, सही है सर? जफर अब्बास जो है अगले 5 साल तक सैलानी की मैनेजमेंट में, ऐसा नहीं है मेंबर बोले अच्छा भाई मैंने देख तुझे सारे एसेट ट्रांसफर करवाए थे, जेडीसी के जफर भाई बोले सैलानी वाले अब मुझे ले लो अपनी मेंबरशिप में, मैं अपना मेंबर बना लो, लॉ ने कहा नहीं बन सकते। अगर आपके ऊपर कोई वजह थी, आपकी एनजीओ बंद हुई, उसका लाइसेंस रिवोक हुआ, तो यार आपको दूसरी में क्यों डालेंगे? अगर हमने ये शुरू कर दिया तो मकसद ही फॉल हो गया ना, था आप ने यहाँ पर जो काम किया था वही आप कहीं और जाकर भी करेंगे, तो इसीलिए बोला। अगर हाँ सर कोई और एनजीओ बना सकते हैं, जफर भाई बना सकते हैं, जफर भाई कोई और एनजीओ बना सकते हैं, लेकिन जिसको अपने एसेट ट्रांसफर किए थे उसमें आप कुछ भी हो जाए नहीं जा सकते, ठीक है? अब आगे आते हैं सर, देखो ना अगर कोई कंपनी बंद हो रही होती है ना, और खास तौर पे एनजीओ जिसे कुछ नहीं मिल रहा होता, तो सर उसके केस में ना लोग बोलता है भाई ये सारी कंप्लाइंस हम क्यों करें, बाहर में जाए। जफर भाई बोले कि मैं तो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ, बशीर भाई बोले मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ, तो उस केस में SCCP क्या करेगा? अपनी तरफ से एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करेगा, बोलेगा भाई देख ये लोग तो सीधे नहीं चल रहे, तू जा और तू ये सारे काम कर, तू जा और ये सारे काम कर। तो सर इस बात को आप समझे कि ये जो एनजीओज है ना, अगर इनके फायदे हैं तो इनके नुकसान भी हैं, तो ये याद रख लें, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट हमारे लिए क्या हो गया? सबसे हर अटेम्प्ट में लिख लो, हर अटेम्प्ट में तुम्हें बता रहा हूँ, ये सवाल या तो छोटा सवाल या तो बड़ा सवाल, या तो 4-3 नंबर तक का, या तो 8 नंबर तक का, या तो MCQ में कहीं ना कहीं होता है, तो उसको घोल के पी जाना है जी। किसकी बात कर रहे हैं? एक्सेप्ट रिकवरी। हाँ सर, आपने ऑपरेशन रोक देने, रिकवरी को छोड़ के अगर आपके किसी से पैसे रहते हो, मिलना बाकी हो, तो वो आप रिकवरी कर सकते हैं।
चलें सर आगे बढ़े। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट क्लियर हो गया सब बच्चों को? इसके आगे फिर रिपीट कर रहा हूं, मार्क इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। सर ये जो चीज है ना आपके पास पेपर में लाजमी होगी, अगर इस चैप्टर में से कोई एक चीज के ऊपर पूरा सवाल बनेगा मतलब हर अटेम्प्ट तो आता है। अब आ जाए सर हम क्विकली आते हैं इनकॉर्पोरेशन में। पाकिस्तान में भी एक ऑप्शन दिया गया है जो कि कोई अवेल नहीं करता, कोई भी इतना बड़ा गधा नहीं है कि आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बना सकते हो। लेकिन कोई भी भाई कंपनी बनाते क्यों है? लिमिटेड लाइबिलिटी के लिए ना भाई। एसोसिएशन नॉट फॉर, उसकी भी लाइबिलिटी क्या होती है? भले वर्ड नहीं बट हो, अगर आप चाहो तो आप क्या कर दो। पाकिस्तान में आपको पता है हम सीए फर्म जो है कंपनी नहीं बन सकते, पता है क्यों? हमारी साइन के ऊपर बड़े बड़े डिसीजन हो जाते हैं। आप सोचो मैंने अपनी साइन के ऊपर बड़े बड़े डिसीजन करवा दिए, किसी एक कंपनी को आकर तुम दूसरी कंपनी में 2 बिलियन डाल दो और मेरी कंपनी का शेयर कैपिटल अगर मैं फर्म को कंपनी बनाने देते, सीए फर्म कंपनी बन सकती, 2 लाख रुपए का शेयर कैपिटल था, तो मैंने उसका 2 बिलियन डुबा दिए और मेरी लाइबिलिटी कितनी है? तो लॉ चाहता है कि हमारी लाइबिलिटी क्या हो? अनलिमिटेड हो। इसीलिए सीए फर्म कंपनी नहीं बन सकता पाकिस्तान में। सही है, पाकिस्तान में आईकेप के बायलॉज के अंदर लिखा है अगर आप फर्म बनाओगे तो आप इंडिया के अंदर, आपको पता है कभी आप देखेंगे इंडिया के अंदर ना आप देखेंगे अर्नस्ट एंड यंग सही है कंपनी बनी हुई होती है, बट जो उनकी कंपनी होती है ना इंडिया के अंदर भी वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बनते हैं। सही है, ULLC बनते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, वरना इंडिया के अंदर बनती है LLC, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो सर दुनिया भर के अंदर जहां जहां सीए फर्म दुनिया भर में उनकी लाइबिलिटी को लिमिट, आपने कभी देखा है कि KPMG पे इतना फाइन पड़ा दुनिया भर में, इसके ऊपर इतना पड़ा, वो होता ही है भाई तुमने ऑडिट सही से, तो याद रखो सबसे रिस्की प्रोफेशन है ऑडिट सबसे। मैं खुद भी ऑडिट आता ना मैं करने में खुश नहीं होता हूं, मतलब यार पता होता है ना कि यार कभी भी टोपी आ सकती है, तो बहुत रिस्की प्रोफेशन है। आ जाए अब पर्सनली भी लायबल, वही ना कि भाई आपको होता है क्या, लेकिन खैर अब आप तो सिर्फ हम ऑडिट रिपोर्ट में, ऑडिटर बहुत स्मार्ट है, अपने आपको रिपोर्ट में कब आप पढ़ेंगे ऑडिट, कितने लोग ऑडिट पढ़ रहे हैं अभी? ऑडिटर की कभी देखना आप रिपोर्ट पढ़ेंगे, ऑडिटर कह देता है कि देखो मैंने तो सैंपल बेस पे किया था, मैं तो 100 दानों में से 10 दाने चखे थे, अब वो 10 सही निकले भाई, 90 में से कोई खराब आ गई तो मेरी क्या जिम्मेदारी? ऑडिटर अपने आप को बचा के चलते हैं। सही, अब आ जाए रिजर्वेशन ऑफ नेम, रजिस्ट्रार नेम, नेम को इसको 90 की जगह आप कर देंगे 60 डेज हो गया, ये रजिस्ट्रार नेम को रिजर्व लगता है कितने दिनों के लिए? 60 दिनों के लिए। अपील टू कमीशन इन, भाई अब मैंने वही एग्जांपल दी ना, मैंने कहा कि भैया अगर मैंने कोई नाम बुक करा था, कल हमने बड़ा नाम बुक कराना था नहीं मिल रहा, तो मैं कमीशन को क्या करूंगा? अपील करूंगा। अब सुनिएगा ये सब बातें पुरानी हो चुकी है, प्रैक्टिकल लाइफ में अब ये खत्म हो चुका है, जब होता था ना, लेकिन लॉ के अंदर है। अब आप जाएं SECB की वेबसाइट पे, आप आज जाएं 200 रुपए देकर नाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको कल जवाब आ जाएगा ईमेल का कि ये नाम अवेलेबल है या नहीं है। आप अपने नाम पे कंपनी बनाना चाहें, सही है, बशीर भाई प्राइवेट लिमिटेड, आपको आज आप जाके उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 200 रुपए में, और आपको कल जवाब मिल जाएगा कि भाई ये नाम अवेलेबल है या नहीं। फिर कह रहा है जब आपको रजिस्ट्रेशन करनी होती है तो कंडीशंस क्या हैं? फाइल मेमोरेंडम आर्टिकल जो एड्रेस आपको बताना होता है रजिस्ट्रार को, और डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लाइंस। क्या होती है सर डिक्लेरेशन कंप्लाइंस? नहीं, आप बताते हैं कि यार मैंने सारी कंडीशंस फुलफिल कर ली हैं, वो जो नहीं हम फॉर्म में एग्रीमेंट में होता है जो कि आप अक्सर एग्री पे क्लिक कर देते हैं बगैर पढ़े, टर्म्स एंड कंडीशंस के, हाँ यार मैं जो वो और जो लिखा ये सच का है, सच के अलावा कुछ नहीं लिखा, ये वही बातें होती हैं, फिर आप उसके ऊपर साइन करते हैं कि हाँ मैंने सारी कंडीशंस फुलफिल की हैं और जो बातें बताई हैं सच ही बताई हैं। फिर आगे आते हैं क्या कह रहा है, अगर रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाती है तो रजिस्ट्रार इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसके अंदर क्या चीजें आ जाती हैं? नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, स्टेटस, लाइबिलिटी। नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, डेट आप किस दिन रजिस्टर्ड हो, स्टेटस से क्या मतलब है, लिमिटेड बाय शेयर हो, लिमिटेड बाय गारंटी हो, सही है, और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अगर लिमिटेड बाय गारंटी हो तो कितने अमाउंट से लिमिटेड है, शेयर हो तो
शेयर्स की पेड अप कैपिटल तक। अब आते हैं सर, अगर रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगी तो क्या होगा, सुनना। कंपनी बिकम्स, कंपनी क्या बन जाएगी सर, बॉडी। अभी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन कल पढ़ेंगे। एक कंपनी जो थी ना, उस किसकी डेफिनेशन में फॉल कर जाएगी, बॉडी कॉर्पोरेट। क्या होता है, विद सेपरेट स्टेटस परपीचुअल। सेपरेट स्टेटस मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था, अलग पहचान है। एओपी की और इसकी अलग पहचान नहीं है, इसकी अलग पहचान है, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। परपीचुअल सक्सेशन, क्या होती है परपीचुअल सक्सेशन, शेयर होल्डर बनना है, हमेशा चलती रहेगी। शेयर होल्डर मर भी जाए तो चलती रहेगी, बच्चों को जाएगा इसको, है ना। कुछ नहीं होता तो इसके सब कुछ हुकूमत के पास चले जाते हैं शेयर्स। कॉमन सील, कॉमन सील क्या होती है सर, इसकी एक स्टैंप, इसका जो साइन होता है ना, वो साइन की जगह इसका एक स्टैंप बनता है, इम्बोज्ड स्टैंप, सही है सर। अब आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइबर्स बिकम मेंबर्स, इसको जरा समझना सर। जब तक कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती ना, हम 10-15 लोगों ने कहा कि हम मिलके एक कंपनी बनाते हैं, क्या करते हैं, कंपनी बनाते हैं। हम जब मेमोरेंडम पढ़ेंगे अगले सेशन, मेमोरेंडम जब फाइल करेंगे ना, उसके अंदर हमारा सब्सक्राइबर लिखा हुआ होगा। हम अभी मेंबर नहीं बने, कंपनी बनेगी तो क्या बन जाएंगे, मेंबर्स। और फिर आते हैं पर्सन नेम्ड बिकम्स डायरेक्टर। आप जब मेमोरेंडम वगैरह जमा कराते हैं ना आर्टिकल, उसमें आप लिखते भी कौन कौन अभी डायरेक्टर है, तो फिर वो डायरेक्टर इफेक्टिवली हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी नॉट लायबल फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इसको जरा समझना सर, अभी मेरी कंपनी नहीं बनी थी, सुनना भाई, मुझे एक कंपनी बनानी है, एच के प्राइवेट लिमिटेड। सब बच्चे गौर से सुनेंगे, अभी मेरी कंपनी नहीं बनी थी, मुझे बता यार मुझे एससीबी को अप्लाई करूंगा, 5-6 दिन लगेंगे। मैं एकदम सुस्त आदमी हूँ, मैंने कहा इन सब कामों के लिए भी मुझे एक सीए फॉर्म चाहिए। मैंने कहा तेरा क्या नाम है, उड़वा के, मैंने कहा सीए फॉर्म हमने जो है डाल दी। मैंने कहा कि भाई उड़वा की सीएफ हमको, हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, हमने कहा आप हमारी कंपनी क्या कर दो, रजिस्टर कर दो। अब उड़वा ने कॉन्ट्रैक्ट जब किया ना, वो मेरे साथ करेगा, क्योंकि अभी कंपनी नहीं बनी। अगर उड़वा का कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ हुआ है, उड़वा का कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ हुआ है, अब उड़वा जो है कंपनी बन गया, मैं इसकी कंपनी को नहीं पकड़ सकता कि यार तुम्हारा, तुमको मैंने बनाया था ये वो, नहीं, मैं उड़वा को पकड़ूंगा। तो कंपनी जो है, जो इन कॉर्पोरेशन से पहले के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे ना, उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी। कौन लायबल होगा, जिस बंदे ने कंपनी बनाई है, जिस बंदे ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है सर। अब आ जाए, और अगर रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज कर दी, नहीं हो रही आपकी, कोई डिफेक्ट होगा ऊपर इसकी वजह से, जैसे कि हमने कहा ना भाई आपने जो है मेमोरेंडम में कोई सही बात नहीं लिखी होगी, सही है, मेमोरेंडम में आपने लिख दिया कि हम जो भी काम होगा वो करेंगे, नहीं भाई आपको प्रॉपर बताने क्या काम करोगे, तो आपको रिमूव डिफेक्ट करना है। और अगर इसके बावजूद भी नहीं हो रही तो आप अपील कर सकते हैं, किसको, कमीशन को। सर मेरा एक सवाल है यहाँ पे, मासूमाना सवाल, आप सुनना, एकिप क्या शरारत करता है, तुमने अपील की, कमीशन ने कहा कंपनी नहीं बन सकती, तुम कंपनी बना ही नहीं सकते, क्या तुम कोर्ट के पास जा सकते हो, नहीं सर। जब तक लॉ ने कहीं नहीं कहा हो ना कि तुम कोर्ट के पास जाओ, कोर्ट बोलेगी भाई, कोर्ट बोलेगी यार हर काम हम सुनने लगे तो हम तो पागल हो गए ना भाई। हमने शुरू में पढ़ लिया था पावर ऑफ कोर्ट क्या है, कल पढ़ा था ना हमने, कल क्या है भाई पावर ऑफ कोर्ट्स बताओ, ये जो हमने पढ़ा था इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर वेरिएशन, ये काम कर सकती है कोर्ट, इसके अलावा कोर्ट हर माप, तेरी कंपनी नहीं बन रही, तू पहुंच गया मेरी कंपनी नहीं बन रही, कोर्ट बोलेगी चल भाई नहीं बन रही तो ये तेरे ऊपर है, मैं क्या करूंगा इसका। सर क्या हम यहां तक क्लियर हैं, पक्की बात है, तो सर हमने बेसिकली आप समझे अफेक्टिवली नटशेल के अंदर हमने अपना जो है चैप्टर नंबर 1 समरी की फॉर्म में कवर कर लिया। अब अगली क्लासों में व्हाट आई वांट कि आप हजरात के पास स्टडी टेक्स्ट हो, सही है, क्योंकि अब यही बातें जो हमने पढ़ी है ना, तो अगली क्लास में हम इसकी स्टडी टेक्स्ट पढ़ेंगे। क्यों सर स्टडी टेक्स्ट क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि लॉ के अंदर सबसे अच्छी बुक क्या है, ये तुम्हारा मेन डॉक्यूमेंट है, ये जिन जिन के पास नहीं उनको अभी मैं ला देता हूँ, इसको तुम्हें बेस बनाना है। लेकिन सर तुम्हें अल्टीमेटली जाना है, मतलब उसकी, अभी हम जब स्टडी टेक्स्ट पढ़ेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा, देखो स्टडी टेक्स्ट में ये बातें, इसको इसमें ऐड कर लो,
याद ये तुम्हें 12 पर्चे ही करने, ये 12 पर्चे तुमने याद कर लिए और पास पेपर कर लिए, आप यकीन मानो कंपनी लो मुस्कुराते हुए। मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ सर, ये मेरी गारंटी है, इंशाल्लाह मुस्कुराते हुए निकालूंगा। सही है, वजह यह है कि सर ये बहुत आसान पेपर है। ग्रुप बी में अगर कोई पेपर आपका सबसे आसान है ना, तो वो कौन सा है? कंपनी लॉ। तो सर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में सब कोशिश करें हार्ड। देखो FAR2 किसी की तुम्हें हार्ड में लेने की जरूरत नहीं है, स्टेट टैक्स इसकी हार्ड में ले लो, इसकी हार्ड में ले लो। मेरे ख्याल में पता नहीं पाकिस्तान चौक की तरफ से कहीं मिलती है आईकेप, ने तुम्हें पता चला होगा किसी ज़माने में आईकेप फ्री में देता था, फ्री में जो फीस तुमसे लेता था, लेकिन जो है अब आईकेप ने कहा भाई तो खुद ले। पाकिस्तान चौक पे है वो एक, इसकी ले लेना रिसेंट, मतलब जो पिछली दफ़ा रिवाइज हुई है वही काफ़ी है। चल सर आज की क्लास में हम कंपनी लॉ के स्टडी टाइम में आते हैं, और कंपनी लॉ के स्टडी टाइम में आज मैं एक केस स्टडी डिस्कस करूँगा बिजनेस की। किसकी? और बिजनेस ऐसा नहीं कोई बहुत बड़े बिजनेस की, एक छोटे बिजनेस की। कि देखो आदमी जो है ना कभी कभी हिम्मत करता है, और ये मेरे पार्टनर की केस स्टडी है, मतलब उनका एक तो मेरे साथ फर्म है, लोकल फर्म है उनकी, एक माशाल्लाह अलग सेटअप है इंटरनेशनल फर्म का भी जो उनका मेन सेटअप है। वो आदमी माँ बाप का इकलौती औलाद, मतलब इकलौता लड़का। सही है, कितने लोग हैं जो माँ बाप के इकलौते लड़के इकलौती लड़की हो, इकलौती लड़की और इकलौता लड़का, बाकी सबके माशाल्लाह हैं भाई बहन। सही, अम्मा अब्बा ने सिर्फ आप पे डिपेंड नहीं किया। सही है, अब सर वो बंदा माँ बाप का इकलौता लड़का था, और जैसे जब बंदा क्वालिफाइड होता है तो अक्सर बाप माँ बाप भी कहते हैं कि तू बाहर जा, CA क्वालिफाइड माशाल्लाह 2001 में उन्होंने कर लिया था, और उन्होंने सिर्फ CA नहीं किया, उन्होंने CA किया, ICCA किया है, CPA USA किया है, उन्होंने ICM में किया है, उन्होंने IBA भी कुछ मतलब जो उनका प्रोग्राम किया, बहुत पढ़ा है उन्होंने ज़िंदगी में, इतना पढ़ा है। सही है, तो मैंने उनको ये कहता हूँ क्या ज़रूरत थी भाई, मैंने CA किया है, मुझे एक ने कहा कि आप ये करें और आप इधर PhD कर ले, मैंने कहा भाई मैं ना नहीं पढ़ सकता, मैंने जो पढ़ा है वो बड़ी मुश्किल से पढ़ा है। सही है, उन्होंने बहुत पढ़ा है माशाल्लाह। अब हुआ ये कि वो गए 2000 में क्वालिफाई किया, इस्लामाबाद में गए, उनकी जॉब लगी अच्छी, कराची के ही थे, जॉब वॉब लगी उनकी माशाल्लाह। फिर उनको 2004-05 में मौका मिला कतर जाने का, कतर गए, और कतर में जाके अल जजीरा में फिर उनकी जॉब भी, और वो आखिरी जो उनकी पोजीशन थी अल जजीरा में, वो उनके हेड ऑफ ग्लोबल ऑडिट थे, हेड ऑफ ग्लोबल इंटरनल ऑडिट उसमें वो थे माशाल्लाह। अब्बा की 2016 में तबीयत खराब हुई। अब देखें सर, मेरे लिए ना फर्म का डिसीजन आसान था, क्योंकि जब मैं फर्म में आया ना तो उस टाइम पे मैं 30 के आसपास था, 29 का पूरा हुआ भी नहीं था शायद, या 30 का बिल्कुल। वो बंदा, मैं क्योंकि 3 साल पहले फर्म की तरफ आया, वो बंदा जब आया ना 2016 में, तो उस टाइम पर ही बहुत मुश्किल टाइम होता है, वो तकरीबन 43-44 के थे माशाल्लाह। पर अब्बा की तबीयत खराब हो जाने के कारण मैं इकलौता लड़का हूँ, मुझे जाना है। अब वो पाकिस्तान आ गए जॉब से रिजाइन दे के। अब सर जब वो आए ना, उन्होंने कहा क्या काम करूँ, तो वो बोला फर्म ही खोलते हैं, यही काम आता है। अब उन्होंने कहा फर्म खोलता हूँ, उस टाइम पे उन्होंने कहा मैं ऑनलाइन काम करूँगा, क्लाइंट के थोड़े बहुत एक कतर का छोटा मोटा काम था, बाकी वो बैठ कर बिड करते थे। वो बंदा 45 साल का चार्टर्ड अकाउंटेंट, 44 साल का माशाल्लाह, और जो है वो उस टाइम पे बिड मारते थे $2-2, $1-1 के लिए पर घंटा। उन्होंने उस टाइम से वहाँ से शुरू किया, और उन्होंने अपने पास मुझे आसान, मैंने एक रूल बनाया, उन्होंने मुझे जब मैं कन्विंस नहीं हो रहा था ना कि अपने फर्म की तरफ आऊँ, तो मुझे मैंने कहा देख मैंने 2 साल का खर्चा साइड में रखा, सपोज करो उनका उस टाइम पे 2 साल, 1 महीने का खर्चा था 2 लाख रुपये उनकी फैमिली का, उन्होंने 2 साल का खर्चा साइड में रखा, 48 लाख रुपये साइड में रखे। अब बोला कि यार अगर ये 48 लाख रुपये पहले ख़त्म हो जाए, सही है, या जो है मेरे पास काम, मतलब बोला जब तक ये 48 लाख रुपये है ना, अगर ये ख़त्म नहीं होते और मेरे पास इनकम आना शुरू हो गई ना सही से, तो मैं कंटिन्यू रखूँगा, अगर 48 लाख ख़त्म हो जाएंगे तो मैं वापस धंधे की तरफ जाऊँगा। ये सोच लेकर आया, उन्होंने कहा 6 महीने ऐसा हुआ कि 0, कोई काम ही नहीं, जिनके लिए काम किया वो भी भाग गए। अब सर ये टाइम बहुत टफ होता है, ये टाइम मैंने भी देखा हुआ है, 1.5 साल शुरू का मैं फर्म में आया, 1.5 साल के लिए कोरोना आ गया, साला 25,000 रुपये का एक क्लाइंट, और वो भी 100 बातें सुनाए, आपका दिल चाहता है कि उसको निकल के मारो। खैर तो सर बट 6 महीने उन्होंने सब्र किया, कभी कभी ना अल्लाह आपको तैयार कर रहा होता है। 6 महीने बाद उनके पास माशाल्लाह काम आना शुरू हुआ, और आज उनकी फर्म के अंदर जो दूसरा सेटअप है, कोई 75 लोग हैं माशाल्लाह,
वो यूएस का काम भी कर रहे हैं, वो यूके का काम भी कर रहे हैं, वो मिडीज का काम भी कर रहे हैं, सही है। तो आज 6 साल, और अभी उन्होंने माशाल्लाह एक बहुत बड़ा ऑफिस मतलब बोर्ड खरीदे, तो वो 6 साल शुरू के 6 महीने वो कहते हैं कि यार ऐसा काम था। अच्छा उन्होंने लोग भी रख लिए थे, जाहिर सी बात है काम होगा तो मतलब है ना। और तो बोलते हैं वो लड़के खुद बताते हैं कि जब शुरू शुरू के 6 महीने थे ना, तो हम पूरा दिन आ करके बैठ के फिल्में देखते थे, कोई काम ही नहीं होता था, क्या करेंगे। अब आज वो माशाल्लाह ऐसे हैं कि वो कहते हैं हमें 9 घंटे की जो शिफ्ट है ना हमारी, उसमें हमारे पास टाइम नहीं होता। तो सर ये देखें, जब जो भी कभी कभी बिजनेस में आता है ना, तो ये बात दिमाग में बना कर आए। उन्होंने बड़ी मुझे मोटिव, और उनका जो 6 महीने का पीरियड था वो मेरा 1.5 साल का हो गया। और मैं रोज़ सोचता था यार, महीने के 2-2.5 लाख रुपए के हिसाब से, मतलब मेरी जो लास्ट नौकरी थी वो 2.5 लाख के आसपास थी, तो मैं कहता था कि यार मैं तो साल, मैंने कोई 6 महीने में 45 लाख का नुकसान कर लिया, और मैं 1.5 साल में 18 महीने में कितने का नुकसान कर लिया। तो सर ये बड़ा टफ पीरियड होता है, पर आपको नहीं पता कि सर यही पीरियड है ना, और एक याद रहे जब बिजनेस होता है ना, सबसे बड़ी चीज़ आपको 2 चीज़ें देता है। पहली चीज़ इंडिपेंडेंस। सर हालांकि अभी भी मैं क्लास दे रहा हूँ, मेरा मोबाइल ऊपर पड़ा हुआ है, मैं क्लास में फ़ोन यूज़ नहीं करता, बट है ना मुझे टेंशन नहीं है। मुझे पता है क्लाइंट की मिस कॉल आएगी ना, उसको बाद में कॉल इंशाल्लाह कर लूँगा, सही है कुछ ना कुछ। सर अगर अभी मैं होता ना और मेरे पीछे से बॉस की कॉल आ रही होती ना, तो आपको नहीं पता मैं आपको पढ़ा रहा होता, मेरा दिल अंदर से यूँ यूँ हो रहा होता। एक चीज़ इंडिपेंडेंस देता है माशाल्लाह। पैसा देखो, मैं कहता हूँ अक्सर जॉब वाले बहुत पैसा कमा रहे होते, मैं अपने दोस्तों को देखूं जो मेरे साथ के थे जॉब में, तो शायद अभी भी मेरी फर्म ग्रोइंग पे, वो माशाल्लाह ज़्यादा कमा रहे हैं। एक तो इंडिपेंडेंस, दूसरी चीज़ जो देता है वो होता है सेल्फ बिलीफ। सर याद रखिएगा, सेल्फ बिलीफ जो होता है ना, ये आदमी को कहाँ से, और ये ऐसे नहीं है बोलने से आ जाता है, नहीं, जब आप धंधा करते हो ना, आपको लगे कि यार अगले महीने की सैलरियाँ नहीं निकल रही, कैसे निकालूंगा, अपने अकाउंट से पैसे हैं नहीं, क्या करूँ, परेशान, उस वक्त आपको नज़र आता है कि अल्लाह ने एक ऐसे जरिए से आपकी हेल्प कर दी, सही है। वो क्लाइंट जो पिछले 6 महीने से पैसे नहीं दे रहा था, एकदम से उसने पैसे दे दिए, तब आपका सेल्फ बिलीफ बनता है, अल्लाह पे भरोसा बनता है कि यार वो बैठा है। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।